हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पर। आज के ब्लॉग में हम हैं फिर से खेत में। देखो, ये देख सकते हैं हमारे बैंगन रोपे हुए हैं, पर हम इसमें कुछ करता नहीं है, टाइम शाइम कुछ नहीं करता है। हम बस आए हुए हैं, बांस होता है ना, बांस कटवाने, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, दीपावली में हम वो गेट वेट बनाते हैं, टाट शाट लगाते हैं ना लोग सब, उसी गेट बनाने के लिए बांस कटवाने आए हैं। आप बांस कटवा रहे हैं। ब्लॉग आजकल अच्छा आता नहीं है, फिर से छठ के बाद जाएंगे तो ब्लॉग अच्छा, छठ के बाद रखो ना, छठ से अच्छा ब्लॉग आने लगेगा छठ के बाद से, तो देखते रहना। और आज की ब्लॉग में हम जाएंगे, केसेस कटाएंगे, मतलब बाल वाल कटाएंगे, लाइन वाइन कराएंगे। अब दीपावली आ रही है ना, लौंडिया आवाज करेंगे, तो देखते रहिए हमारे वो बाजार वजार में या रोड शोड पर वीडियो बनाना अच्छा, तो बाद में ही वीडियो बनाना अच्छा, क्योंकि अभी तो बैकग्राउंड का नॉइज, एक चुई साउंड भी नहीं आता है बैकग्राउंड नॉइज। वो चिड़िया बोलता है उसका साउंड जो आ जाए, नहीं तो आता नहीं है साउंड। उधर रोड पर जाओ, हॉर्न पोंप है, बाजार में वो है, वो बहुत हल्ला आता है। और एक नई बात, देखते रहना ब्लॉग को, आगे देखते हैं क्या होता है। अब जाएंगे आज सैलून भी, केस कटाएंगे, क्योंकि आज देखो केस हमें आता नहीं होता हिंदी बोलने, फिर भी ट्राई कर रहे हैं हिंदी में ब्लॉगिंग करने का। मज़ा आता है ना हिंदी में, वो थोड़ा मजाक भी हो जाता है। हिंदी में वर्ड होता है ना, वर्ड मतलब कुछ बोलने का तरीका, वो फ़र्क होता है। हमारे मैथिली से भी मिल जाता है कुछ कुछ वर्ड, बारी में तो भाई क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं होता मतलब। इससे भी कोई बात नहीं, हिंदी में ब्लॉग आएगा तो नेपाली आदमी समझ ही जाएगा। नेपाली में ब्लॉग जब आएगा ना, इस नेपाली ब्लॉग या फिर कोई फिल्म विलीम होता है तो इंडिया में नहीं देखा जाता, पर इंडियन फिल्म ब्लॉग जो भी हो, इंडियन हिंदी भाषा सब नेपाल में चलता है। हिंदी तो सब देश में चलता है प्राय जैसा, क्योंकि देखो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी हिंदी आता है। देखो मेरा ड्राइवर है, वो एक क्लास भी नहीं पढ़ा है, पहले काम करता था, अभी वो विदेश चला गया, उसको हिंदी आता है, नेपाली नहीं आता। देखो बचपन से नेपाल में बैठा, नेपाली आता नहीं उसको, बस हिंदी। ट्रैफिक व्राफिक जब पकड़ता था ना जब, तो हिंदी में बात करता था वो। कोई मैंने पूछा एक दिन, ट्रैफिक व्राफिक पकड़ता तो आप कैसे बच जाते हो, क्या आप कौन सा भाषा बोलते हो, मैथिली में बात करते हो, हिंदी में? ले भाई ऐसा कैसे हो सकता। फिर भी मैंने एक ना ट्राई किया। इधर देखो हमारे गांव में दो दिन ट्रैफिक मुझे पकड़ा था, पहले नहीं रहता था, अब रोड पीच हो गया है तो रहता है। उस दिन एक दिन मैंने ट्राई किया हिंदी में बोलने। देखो भाई, मैं बाद से आ रहा था जब शायद ब्लॉग भी बनाया था मैं, शायद वो ट्रैफिक नहीं आया, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग करने के लिए मेरे पास है नहीं बाइक मोटर ब्लॉग करने के लिए कुछ हेलमेट लगाने का, पर मैं ख़रीदने वाला हूँ। और उस दिन देखो देखा था मैंने, और नेपाली में बात नहीं किया, मैं हिंदी में बोला देखो बोला वो क्या बोलता है उसको, होता है ऐसा है कि देखो नेपाल में सब लोग हिंदी वो कॉमन है, कहीं पे भी दिख जाएगा आपको। और मारवाड़ी सम जब रहता है ना नेपाल में, उसमें तो हिंदी बोलता है ना, तो नेपाल में हिंदी कॉमन है, नेपाली भी बोला जाता है, बहुत भाषा, 125 भाषा है शायद, वो सब बोला जाता है। पर इंडिया में देखो नेपाली वो लोग नहीं समझेगा कोई, हाँ बॉर्डर साइड में समझेगा, और जगबनी हो गया इधर समझेगा, फिर फुल्का वगैरह इधर उधर नहीं बोला जाता। जगबनी तो नेपाल का ही आदमी सब दुकान करता है, इसलिए समझ जाते हैं। पर देखो जितना कॉमन है ना नेपाल में हिंदी, उतना है नहीं, ऐसे एकदम से भाषा चेंज हो गया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो कोई भी भाषा में बना लेते हैं, मैथिली में भी बना लेते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं। अभी दिखाता हूँ मैं बांस कैसे खींचा जाता है अमेजन जंगल में। और इधर देखो बांस की कटाई हो रही है, ये हो गया बांस, इधर ये हो गया, ये सब है अमेजन जंगल का खेल। इधर देखो ये बांस चल रहा है इधर। तो गाइस देखो, ये हमारा छोटा सा पिट्टू था, अमेजन जंगल हो गया, और वो जंगल तो है ही है। इसका अब दिखाता हूँ, बुलेट चुट्टी होता है ना चिट्टी, अमेजन जंगल का एंट, बुलेट एंट जो कि काटता है तो बुलेट तरह लगता है वही। तो हम लोग गाड़ी लेकर आ गए हैं, लोडिंग हो गया अब, और लोडिंग होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। देखो गाड़ी आ चुका है, और पीछे हो रही है बांस, क्या हो रहा है। 36 पीस बांस काट लिए हम लोग, बस अब लोडिंग करना बाकी है, तो मिलते हैं लोडिंग करने के बाद। तो देखो कितना लोड हो गया, और पीछे मैं दिखा दिया वीडियो में,
अब देख सकते हो कितना लोड लगता है। देख सकते हो मैं घर आ चुका हूँ और हमारा बैकग्राउंड यही है, क्योंकि यह हम डीवी लॉटरी का फॉर्म होता है ना, वही भरने के लिए लगाए थे। दो चार फोटो खींचे वाइट कलर का है ना, और देखो पूरा थक चुका हूँ। अब गाड़ी को तो देख ही थे कितना मज़ा आया, तो मैं मस्त ये मैं गाड़ी बहुत अच्छी तरह चला रहा था, कोई भी गाड़ी हो, बहुत हैवी ड्राइवर। आप लोगों को कोई काम पड़े बोल देना मेरे, वैसे भी कुछ नहीं, जो है हाय ऐसे चलता रहता है। गाँव आए पास मतलब घर आए के बेला चलता रहता है ऐसे ही। सब्सक्राइब कर देना, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ भाई, 300+ हो गया है हमारा सब्सक्राइब। अब कुछ भी करके 1K पुगा लो।